गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं देबनारायन फ्रॉम पूर्वा मेदिनीपुर। मैं आज एक नया टॉपिक्स प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। आज ये जो हमारा एलईडी ड्राइवर होता है, एलईडी ड्राइवर कैसे काम करता है। एक्चुअल में हम सब लोग जानते हैं, एलईडी ड्राइवर में एक इंडक्टर रहते हैं, उसके बाद एक रेक्टिफायर डायोड रहते हैं, वहाँ से वोल्टेज बूस्ट होकर आउटपुट होता है। ये कैसे होता है एक्चुअली, यहाँ 12 वोल्ट इनपुट हुआ इंडक्टर के भाया, यहाँ से डायोड होके डायरेक्ट, जब तक स्विचिंग नहीं हो रहा है तब तक ये यहाँ पे 12 वोल्ट ही आउटपुट होता है। यहाँ पे एक मॉस्फेट PWM IC देके यहाँ स्विचिंग करवाया जाता है। ये स्विचिंग का स्पीड डिपेंड करता है ये फीडबैक के ऊपर, ये यहाँ पे कितना वोल्टेज चाहिए ये डिपेंड करता है ये फीडबैक के ऊपर। यहाँ उतना ही यहाँ पे स्विचिंग होता है, और यहाँ पे स्विचिंग होने के बाद ये बूस्ट होकर आउटपुट होता है। ये कैसे एक्चुअल में होता है, ये मैं एक छोटा सा सर्किट बनाया है, यहाँ से मैं दिखाऊंगा। अभी देखिए, मैंने ये एडाप्टर से 12 वोल्ट सप्लाई दिया है। देखिए यहाँ पे 12.95, जो अभी ये कॉयल इंडक्टर होके ये डायोड होके 12.56 वोल्ट आउटपुट हो रहा है। यहाँ पे जो PWM एंड MOSFET देके जो स्विचिंग हो रहा है, ये वो स्विचिंग मैं मैनुअली यहाँ पे करूँगा। यहाँ पे सप्लाई दिया हुआ है, जस्ट यहाँ का ट्रिगरिंग अभी ऑफ है। मैं ये जो सर्किट बनाया है, यहाँ देखिए मीटर पे देखिए और यहाँ पे देखिए, अभी 12 वोल्ट फिक्स है। मैं स्विचिंग किया, देखिए 17 वोल्ट हो गया, फिर से स्विचिंग कर रहा हूँ, देखिए कैसे बढ़ रहा है। ये मैंने मैनुअली स्विचिंग कर रहा है, जो काम ये PWM MOSFET का होता है वो मैं मैनुअली कर रहा हूँ। अभी देखिए ऐसा वोल्टेज बढ़ता ही जाएगा। यहाँ पे मैंने जो कॉयल यूज किया है, एक्चुअली हम लोग का LG TV का जो ड्राइवर कॉयल हो, जो कुछ भी कॉयल हो सकता है, कोई बात नहीं। ये सिर्फ कॉयल है और ये एक डायोड है, यहाँ पे एक आउटपुट कैपेसिटर लगे हुए है। यहाँ पे मैंने स्विचिंग कर रहा हूँ, जस्ट ये वाला जो सर्किट है ऐसा ही मैंने यहाँ पे किया है। सिर्फ ये PWM और MOSFET का काम मैं खुद कर रहा हूँ। यहाँ पे स्विचिंग कर रहा हूँ, देखिए वोल्टेज कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। जितना स्विचिंग करूँगा उतना ही वोल्टेज होगा। यहाँ पे मैंने लगाया है 47 MFD 100 वोल्ट का कैपेसिटर लगाया है। यहाँ देखिए वोल्टेज 59, और जितना मैं स्विचिंग करूँगा इतना ही बढ़ता जाएगा ये वोल्टेज। सिक्सटी एट पॉइंट फाइव यहाँ तक वोल्टेज चला गया, क्योंकि ये कैपेसिटर लगा हुआ है 100 वोल्ट का। ऐसा ये जो स्विचिंग डिपेंड कर रहा है ये फीडबैक के ऊपर, ये मुझे आउटपुट में कितना वोल्टेज चाहिए। आप लोगों को शायद ये वीडियो पसंद आया होगा। ये एक्चुअली मैंने बहुत सोच के ये एक सिंपल सा एक सर्किट बनाया है, जो बूस्ट कैसे होता है। अभी देख लिया है आप लोग कैसे हो रहा है। अभी मैं स्विच ऑफ कर रहा हूँ, यहाँ पे तो पूरा फुल स्टोर हो के रहा है, मैं इसको डिस्चार्ज कर रहा हूँ। डिस्चार्ज हो गया, फिर से लाइन दिया, देखिए 13.26। जब ये यहाँ पे स्विचिंग प्रेस कर रहा हूँ तब ये वोल्टेज तड़ातम बढ़ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये सर्किट भी आप लोग देख के एक बना सकते हैं। बाय।